और अब बात करेंगे सूरजपुर जिले की, जहां प्रेमनगर इलाके में ड्यूटी के दौरान कुछ स्थानीय नेताओं के साथ महिला जनपद सदस्य ने डॉक्टर के कैबिन में घुसकर बदसलूकी की। डॉक्टर सावित्री देवी के विरोध करने पर महिला जनप्रतिनिधि ने डॉक्टर को अपशब्द भी कहे और मारपीट करने का प्रयास भी किया। साथ ही महिला डॉक्टर का ट्रांसफर कराने की धमकी भी दी गई। डॉक्टर ने इसकी लिखित शिकायत विभाग के CHMO और प्रेमनगर थाने में की है और घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज नहीं की है, जिससे पुलिस पर राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप लग रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता दिलशाद अहमद जुड़ गए हैं। दिलशाद, आखिर किस कारण को लेकर विवाद हुआ था और क्या है ये पूरा मामला? मैं कहूँगा कि जो साधना जो डॉक्टर है वहाँ पर पदस्थ है स्वास्थ्य केंद्र में, वहाँ प्रेमनगर में, वहाँ के जो जनपद सदस्य सावित्री और जो उनके समर्थक वो वहाँ पे गए थे, कुर्सी के लोग बैठने को लेकर इनके बीच दोनों के बीच विवाद हुआ। तो विवाद इतना ज्यादा हुआ इनको, जब उन्होंने मना किया तो जो नेता जो हैं जो सावित्री देवी जो जनपद सदस्य, उनको इतना ज्यादा बुरा लगा उसको लेकर वो ज्यादा बोला होकर उनको बुरी भाली बातें भी कर दी और उनको ट्रांसफर करने की बात कही। इस बात को लेकर वहाँ के जो डॉक्टर उनको उसकी शिकायत उन्होंने यहाँ पे CHMO से भी और थाने में की। ये बात बताना चाहूंगा, अभी तक 24 घंटे से भी ज्यादा बताना चाहूंगा हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस मामले को में FIR भी नहीं लिया। बिल्कुल, अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। इसको लेकर आपकी पुलिस कर्मियों से बातचीत हुई या किसी तरह की कोई बात कही गई हो कि आखिर FIR क्यों दर्ज नहीं की जा रही है? जी, एडिशनल इसका कहना है कि फिलहाल मामले की पूरी जांच की जा रही है और उसके बाद जांच के बाद ही इसमें जो भी सामने उस पर ही कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए दर्शक बहुत शुक्रिया आपका।